नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन की आवाज में भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद रावन ने संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि स्मारक मऊ मध्य प्रदेश पर किए जा रहे अवैध कब्जे को रद्द कर संस्था की स्वतंत्र बहाली हेतु मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा। जी हाँ, पत्र में लिखा, माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार। वैसे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि स्मारक की संचालन समिति के 12 अवैध सदस्यों के माध्यम से 28 दिसंबर 2020 को किए निर्वाचन को शून्य कर 2018 के आधार पर वरिष्ठ सदस्यों से चुनाव कर संस्था को बहाल करने के संदर्भ में। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको विदित है, दलित शोषित पीड़ितों सहित राष्ट्र के मसीहा संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मभूमि मऊ में शासन प्रशासन द्वारा बाबा साहब के सम्मान में एक भव्य स्मारक बनाया गया है। हाल ही में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी के 12 अवैध सदस्यों जो संस्था के रेगुलर सदस्य नहीं हैं उनके माध्यम से चुनाव कराया गया और उन्हें शासन द्वारा वैध करार दे दिया गया। यह चुनाव सोसाइटी के संस्थापक एवं वरिष्ठ सदस्यों के अधिकारों का हनन ही नहीं बल्कि सोसाइटी पर अतिक्रमण कर स्मारक बचने जैसा है। और आगे लिखा कि बाबा साहब का जन्मभूमि स्मारक राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है और करोड़ों लोगों की खून पसीने की कमाई से राष्ट्र निर्माता बाबा साहब के सम्मान में यह स्मारक बनाया है। इस पर किसी पार्टी या संस्था विशेष का अधिकार रोका जाना चाहिए। अतः आपसे निवेदन है कि तत्काल स्मारक पर बनी नवीन प्रबंध कार्यकारिणी को भंग कर संस्था के वास्तविक सदस्यों द्वारा चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराया जाए, वरना हम भारत के लोग स्मारक बचाने के लिए देशव्यापी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। सहृदय साधुवाद, जय भीम। संस्थापक भीमार्मी भारत एकता मिशन, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, कांशीराम चंद्रशेखर। जी हां, चंद्रशेखर आजाद रावण ने लिखा है कि वास्तविक सदस्यों द्वारा चुनाव संपन्न कराया जाए, नहीं तो हम देशव्यापी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जी हां, देखते रहिए मिशन की आवाज के साथ में भूपेंद्र सिंह सोनवाल। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।